हेलो एवरीवन वॉम वेलकम टू द हॉस्पिटैलिटी तक माई नेम इज़ पीयूष एंड यू आर लुकिंग माई चैनल हॉस्पिटैलिटी तक देखिए आज की इस वीडियो में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज का जो ये वीडियो है बहुत एक्साइटिंग है बहुत इंटरेस्टेड है जो भी लोग मूव होने के लिए सोच रहे हैं कैनेडा ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका तो उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है जिस पर बात करने वाले हैं वो कौन कौन सा सामान है जो हमको लाना चाहिए आ, हाँ जी हाँ सो so बेसिकली मैं बताता हूँ आपको सीन क्या है प्रॉब्लम ये आती है कि जल्दी जल्दी में जब हम कहीं जा रहे होते हैं बेसिकली फॉर स्टडीज़ चाहे फॉर जॉब फॉर वर्क परमिट और हम अ लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे भी स्कैड्यूल होते हैं कहीं पे भी मूव ऑन होने की सोचते हैं या जा रहे होते हैं तो हम जल्दी जल्दी में ना काफ़ी सामान भूल जाते हैं और फिर आने के बाद उस जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे फिर हमें लगता है यार काश मैं ये ले आता काश मैं मसाले ले आता काश मैं ये चाय पत्ती ले आता तो आज की जो वीडियो है हम उस पर बात करने वाले हैं वो कौन कौन से असेंशियल्स आइटम्स हैं वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सा सामान है जो हमें हमेशा इंडिया नेपाल पाकिस्तान या अपनी कंट्री से जब हम अमेरिका कैनेडा आ रहे होते हैं तो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए तो जो ये मैंने सामान है काफ़ी कैटेगरी वाइज़ डिवाइड किया है मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले चैनल को करें सब्सक्राइब क्योंकि ये जो इन्फॉमेसन है बहुत अच्छी इन्फॉमेसन मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूँ चाहे आप मूव हो रहे हैं कनाडा चाहे आप मूव हो रहे हैं न्यूजीलैंड चाहे आप मूव हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चाहे आप मूव हो रहे हैं लंडन चाहे आप मूव हो रहे हैं यूके चाहे आप मूव हो रहे हैं यूरोप चाहे आप मूव हो रहे हैं अमेरिका किसी भी कंट्री में जॉब के लिए स्टडी के लिए या कोई लॉन्ग पर्पज़ के लिए आप मूव हो रहे हैं तो वो कौन कौन से ऐसे आइटम्स आपको रिक्वायरमेंट है जिसे आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो सकती है तो उस पर हम बात करने वाले हैं ये जो है पहली कैटेगरी मैंने रखी है डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको हमेशा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ना है सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं ऑफकोर्स आपका पासपोर्ट वर्क परमिट आपका इंश्योरेंस और आपका जो फॉरेक्स कार्ड है आप वो भी बनवा लेना और इसके बाद आप अपना जो आपका कंट्री का जो कार्ड होता है जैसे अपना इंडिया का आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक हेल्पफुल होती है उसके बाद आप ये ड्राइविंग लाइसेंस कभी ना भूलें तो ऐसी चीज़ आपको हमेशा अपने साथ कैरी करनी है अपने साथ रखनी है क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इस सारे सामान की ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक फ़ाइल के अंदर रख सकते हैं एक पूरी फ़ाइल के अंदर और आपके बेसिकली कॉलेज uh, के डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे सर्टिफिकेट्स ये सब आगे काम आने वाले हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं सपोज़ आप अगर आप यू आ रहे हो और यू आने के पहले आप ये सोच रहे हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाए तो आप सब कैरी कीजिएगा एक अपना एक बिग फाइल ले सकते हो उसमें आप अपना पासपोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें अपना वर्क परमिट अपने टेंथ ट्वेल्थ और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे रख लेना है जो मैंने बताए तो ये आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ आने के बाद आपको वो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप फीडेक्स या यू से फिर अपनी कंट्री से यहाँ पे मेल करा रहे हो कुरियर करा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं और कई कई मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी आ पाएगा टाइम लगता है मनी की भी प्रॉब्लम है और गुम भी हो सकता है तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं, आप, मैं आपको बताना था तो मेरी दूसरी कैटेगरी मैंने रखी है क्लोदिंग्स क्लोदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मूव समवेयर अदर वेयर क्लाइमेट इज़ नॉट गुड तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि जो आपके फॉर्मल्स होते हैं वो आप इंडिया से कैरी करना जैसे वाइट शर्ट ब्लैक पैंट्स या फॉर्मल शूज़ क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है अमेरिका में स्पेसिफिकली देखा जाए हाँ जो आपका कैजुअल्स हैं वो आप यहाँ के खरीदें कैजुअल्स मतलब जो आपके जीन्स यहाँ पे सस्ती मिल जाती है स्पोर्ट्स शूज़ यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं बाकी जो आप जैकेट्स वगैरह क्योंकि यहाँ पे ठंड अलग पड़ती है यहाँ के हिसाब से जो जैकेट है वो यहीं पे काम करेगी वो इंडिया वाली जैकेट इंडिया में ठंड कम पड़ती है यहाँ के मुकाबले तो वो जैकेट यहाँ कम काम करेगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जाती है तो आप जैकेट वगैरह यहीं से ख़रीदें बाकी जो आपके इनर वेयर्स हैं अंडर वेयर्स और जो आपका इनर है वो आप हमेशा इंडिया से लेके आए कम से कम मैं बोलूँगा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हो तो इनर वेयर का कम से कम दस पेयर या पंद्रह पेयर से कम मत लेके आना क्योंकि यहाँ पर पहली चीज़ बहुत कॉस्टली है और दूसरा यू में लोग जो अपने कपड़े वॉश करते हैं जो क्लोदिंग वॉश करता है वो वीकली करते हैं तो आठ से दस दिन तो इतना स्टोर कर लेना इतना स्टॉक कर लेना कि आपके लिए वो इनफ रहे और क्लोथिंग में अगर बात की जाए तो आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयर से चेक करना है अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयर से चेक करना है कि वो आपको हाउसिंग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं अगर वो आपको हाउसिंग दे रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि बेड शीट पिलोज़ और ब्लैंकेट वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अदरवाइज़ आप एक पिलो कवर और बेड शीट अपने घर से कैरी कर सकते हैं इनकेस अगर वो नहीं देते हैं तो आपको ये सस्ता पड़ेगा यहाँ पे आके काफ़ी महंगा पड़ता है यहाँ पे अगर आप ब्लैंकेट खरीदने जाओगे तो पचास सौ रोड़ से कम नहीं मिलेगा तो ये जो पैसे हैं वो आप बचा सकते हो वहीं से ला के। और अगर शूज़ की बात की जाए तो मैंने आपको जैसा बताया आप फॉर्मल शूज़ और एक दो पेयर वाइट स्नीकर्स का अपनी कंट्री से ला सकते हैं बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ सस्ते भी हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं और जो फॉर्मल शूज़ है वो आप हमेशा अपनी कंट्री से लेके आना जो आपके यूनिफॉर्म वाले शूज़ होते हैं बाकी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं जिस पर बात करने वाला हूँ वो है किचन आइटम्स देखिए यहाँ पे ना कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो आपको नहीं मिलने वाले मतलब अपन को जो आदत है इंडियन खाने की आदत है इंडियन यूटेंसिल्स चाय तो उस सब के लिए मैं जो बताने वाला हूँ यूटेंसिल्स वो आप कैरी करना अपनी होम कंट्री से स्पेसिफिकली जो मेरे जो वीडियो देखते हैं वो लोग इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं नेपाल से हैं इस साइड से एशिया साइड से तो अपन को एक चाय का सबसे बड़ा शौक़ है मतलब टी लवर जिसको बोलते हैं तो चाय के लिए हमेशा स्ट्रेनर लाना मत भूलना क्योंकि यहाँ आपको बहुत महंगा मिलेगा और पहली चीज़ तो मिलेगा ही नहीं अगर आप कहीं फंस गए तो और मिलता है तो बड़ा मिलता है तो एक चाय की जो जो छल्ली होती है जो स्ट्रेनर होता है वो हमेशा आप कैरी करना क्योंकि उसमें मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा वेट होता है और सबसे बड़ा एक यूटेंसिल्स मैं आपको बोलूँगा प्रेशर कुकर इज़ इज़ डिसेंटली रिक्वायर्ड हेयर मतलब वो बहुत रिक्वायर्ड है वो आपको लाना ही लाना है अगर आपको इंडियन खाना खाना है तो क्योंकि दाल और कुछ सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम लगता है देखो मैं स्पेसिफ़िकली मैंने क्या किया है मैंने इधर आके ऑर्डर किया है और मेरे को वो एट कम से कम कम से कम छः सात हज़ार का पड़ा है और वो इंडियन कुकर मिल तो जाता है लेकिन काफ़ी महंगा पड़ेगा लेकिन आपको बोलूँगा स्पेसिफ़िकली आप जिसमें दो से तीन लोग खा लें क्योंकि यहाँ पर रहोगे आप दो से तीन लोगों के साथ रहोगे तो उतना वॉल्यूम का एक प्रेशर कुकर वहाँ से लेके आना क्योंकि मुझे लगता है नहीं कि उसमें ज़्यादा वेट होगा होगा भी तो वो आपको वर्थेड होगा क्योंकि वो आपको यहाँ मस्ट रिक्वायर्ड रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दिन दाल बनाई थी और उस दाल में मुझे कम से कम चार घंटे लगे थे बॉईल करने में उसके बाद अभी मैंने प्रेशर कुकर मंगाया इधर उसके बाद मेरा फिफ्टीन मिनट्स में दाल बॉईल हो गया तो ये एक मेरे को फ़ायदा मिला प्रेशर कुकर के बाद प्रेशर कुकर आपका टाइम सेविंग है प्लस खाना अच्छा बनता है पूरा वेल कुकड होता है तो इस वजह से आप प्रेशर कुकर लाएँ और अगर आप रोटी खाने के शौकीन हैं जैसे मैं मेरे को चावल खाना उतना अच्छा नहीं लगता आई लव टू ईट ब्रेड्स तो मैंने यहाँ पे आटा मंगा लिया है और जो गलती मैंने नहीं करी मैं मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो करो मैं रोलिंग पिन जो अपना बेलन होता है मैं वहाँ से नहीं लाया था मैंने यहाँ से ख़रीदा मुझे वो वो कम से कम पंद्रह डॉलर का पड़ा इसीलिए बता रहा हूँ एक छोटा सा रोलिंग पिन आप वहाँ से ले आना और तवा की जगह अगर आप फ्राई पैन यूज फ्राई पैन ईज़िली एक्सेसिबल है यूएस में अगर आप वो यूज़ कर सकते हो तो ठीक है वरना अपना तवा भी आप कैरी कर सकते हो और बाकी जो आपको लगता है स्पूं अ प्लेट और अपना एक एक बाउल और इसका एक कॉम्बिनेशन अगर आप ला सकते हो ईज़िली स्टार्टिंग में वो आपके लिए हेल्पफुल काफ़ी होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पर आओगे यू में तो पता नहीं आपको कौन सी हाउसिंग मिलेगी क्या मिलेगा तो आप अपना पक्के शोर हो चले तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है तो ये अपना इक्विपमेंट्स में ये हो गया और आपको और ये लगता है कि यार ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट तो आप वो भी ला सकते हो मेरे हिसाब से मैंने आपको लिस्ट रखा है ये चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपको यहाँ पर लाइफ एक्सेस करनी है लाइफ जीनी है तो अब मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रखा है वो रखा है ईटिंग एसेसरीज अब जो अपना खाने का जो होता है देखिए सबसे पहला मैंने रखा है मसाला मसाला यहाँ पे ना मोस्ट रिक्वायरमेंट है पहली चीज़ तो मसाला यूएस और ये सब इधर बहुत महंगा मिलता है और कहीं कहीं तो मिलता नहीं है सिर्फ इंडियन ग्रॉसरी या इंडियन स्टोर पे ही मिलता है इसलिए भाई मैं बता रहा हूँ कम से कम एक एक किलो के चार पाँच पैकेट अगर लाओगे मसालों के जैसे अपना लाल मिर्च हो गया एक किलो का जीरा लेके आना एक किलो धनिया पाउडर और गर्म मसाला चाट मसाला आप जितने भी मसाले होते हैं ना आप मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा होते हैं पाँच छः टाइप से पाँच छः टाइप के जितने भी मसाले होते हैं हल्दी हो गया अपना नमक यहाँ मिल जाएगा आपको तो ये मेन मेन जो मसाले हैं ना इंडिया में बहुत सस्ते मिल जाएंगे बता रहा हूँ जितने इंडिया में सारे मिल जाएंगे यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा उतने का क्योंकि इतना महंगा है इसीलिए एक एक किलो का सब लेते हैं ना अगर यहाँ पे आपको इजीली सब कुछ खाना वाना बनाना है अगर तो आपके बैगेज में अगर स्पेस बचता है तो पाँच किलो या चार किलो एटलीस्ट तीन किलो दाल लाना ना भूलें मिक्स दाल भी आप ला सकते हो या येल्लो दाल चने की दाल या जो रेड वाली आती है वो लाएँ उससे आपको काफ़ी इजीली हो जाएगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में रहोगे तो दाल बना के खा सकते हो आपको नहीं पता कि आप कहाँ रहने वाले हो आपको मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ना कोई मैस प्रोसेस होता है क्योंकि यू में बहुत कमी होता है सब लोगों को खुद बनाना पड़ता है और खुद लोग खाते हैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप टी लवर हो तो चाय की पत्ती लाना बिल्कुल ना भूलें चाय की पत्ती कम से कम एक किलो लाएं क्योंकि यहाँ पे चाय की पत्ती पहले चीज़ तो मिलेगी नहीं और मिलती भी है तो भैया कि बहुत महंगी मिलेगी भैया अपना चाय की पत्ती एक किलो कम से कम लेके कर आएँ उससे क्या होगा आप चाय बना सकते हो और दूध तो यहाँ पर मिलता ही है दूध उतना महंगा भी नहीं है और सबसे और इसके बाद और इसके बाद ना आप कुछ रेडी टू ईट खाना भी ला सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू ये आपका सेकेंडरी है लेकिन जो प्राइमरी मैंने बताया वो अपना बताया और लाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े से ला सकते हो वो ईज़िली आपके थोड़ा हेल्प करने वाले हैं स्टार्टिंग में जैसे कुछ नमकीन हो गए ये सब लाने के बाद ना आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ भाई एटलीस्ट मेरा हो जाएगा तो वो होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा सामान लाएं वो आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है और देखिए एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आप पर्सनल हाइजीन के लिए क्या क्या लाएँ पर्सनल हाइजीन में आपका डेंटल किट हो गया आपका टूथब्रश और टूथपेस्ट वो तो आपको वहीं से लाने लाना ही लाना क्योंकि यहाँ पर मिलते भी हैं कोलगेट वगैरह लेकिन वहाँ से लाओगे तो वह सस्ता मिलेगा वही वाली बात है और जब आपके बैग बैग में वज़न कम ज़्यादा ही है मतलब बैग में अगर स्पेस है तो क्यों ना लाएँ अब आपका जो शेविंग किट हो गया जैसे रेज़र क्रीम ये सब अगर लाओगे तो बेटर है परफ्यूम आप वहाँ से ला सकते हो और परफ्यूम को हमेशा आप अपने चेक इन बैग में रखें अपने कैबिन बैग में ना रखें क्योंकि वो यू कस्टम वाले निकाल के फेंक देते हैं अब अपना जो ऑयल होता है जैसे मैं स्पेसिफ़िकली जो ऑयल है वो यहाँ नहीं मिलता तो मैं अपना इंडिया से लेके आया हूँ तीन बॉटल दो दो सौ ग्राम के अब जैसे मेरा क्रीम मॉइस्चराइज़र है तो उसे मैं वहाँ से इंडिया से लेके आया हूँ मेरा फेस वॉश के चार पैकेट मैं वहाँ से लेके आया हूँ लिप बाम हो गया टूथपेस्ट हो गया है ना ये सारी चीज़ और अगर इसमें कुछ रह रहा है तो आप ज़रूर ग्रैप कर सकते हैं बाकी पर्सनलाइज में जितना भी सामान आता है अपना वो सब आप वहीं से लेके आए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या गैजेट्स हैं जो आपको इधर लाने हैं ताकि आपकी लाइफ ईजी हो जाए और आपको कम स्ट्रगल करना पड़े अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो आप ट्रेमर कभी ना भूलें क्योंकि ट्रेमर यहाँ लाओगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आप अपनी दाढ़ी बाल सब कुछ कर सकते हो इजीली तरीके से बाकी अपना एक चार्जर तो लाओगे लाओगे एक्सटेंशन बोर्ड कभी ना भूलें हमेशा मोस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है क्योंकि मेरे को यूएस में क्या प्रॉब्लम हुई थी एक्सटेंशन बोर्ड और हमेशा ना कभी मत भूलना कभी मत भूलना यूनिवर्सल अडेप्टर हमेशा ना कभी मत भूलना यूनिवर्सल अडेप्टर लाना क्योंकि वो बहुत रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और डाटा केबल और अपलाना चाहते हो और पावर बैंक भी ला सकते हो ये बड़ा इजी कर देगा आपको है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स मैंने ना मिनिमम बताया सब कुछ वो आपको यहाँ पे ना काफ़ी हेल्प करने वाला है मैं लिटरली बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो आप ना करें और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा पॉइंट है मेडिसिन देखिए मेडिसिन में क्या है यू में अगर आप यू एस में अगर इधर आ रहे हो तो प्रॉब्लम क्या आती है अगर आपको कोई छोटी माइनर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप सीधा जाके फार्मेसी से स्टोर से जाके आप ग्रैब कर सकते हो बट अगर आप को कोई थोड़ी टफ़ बीमारी होती है तो आप यू कैन नॉट गो टू द डायरेक्ट ऑन फार्मेसी यू विल नॉट गेट दिस मेडिसिन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक द रिटिन नोट तो उस तरह से आपको क्या है कि थोड़ी सी बीमारी के लिए भी आपको वो कराना पड़ेगा एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना एक मेडिसिन बॉक्स या एक मेडिसिन पैकेट लेके आए उसमें आप अपनी जैसे अपना सारा इंपॉर्टेंट आइटम्स रख सकते हैं इनो हो गया मूव हो गया पैरासीटामोल स्टैपसिल्स और पैरासीटामोल की सारी पेट के दर्द की दवाई सर दर्द की दवाई जो ला सकते हो एक डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हो कि हाँ भाई ये ये इसकी दवाई है तो आप ला सकते हो और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ना आप वहाँ से हेयर कट करा के आए क्योंकि हेयर कट इंडिया में इधर इंडिया के कंपैरिजन में इधर से बहुत महंगा है वहाँ से करा के आए हो तो वहाँ इंडिया में मोस्टली हो जाएगा एट्टी नाइन्टी हंड्रेड रुपीज़ तक इधर आपको एटलीस्ट थर्टी टू फोर्टी डॉलर यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन हेयर कट तो एटलीस्ट उतने करवा के आओ कि दो तीन महीने चल जाए ताकि स्टार्टिंग में क्या होता है मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ना जब आप चेंज करते हो कन्वर्ट करते हो मनी को इधर से उधर तो बहुत दर्द होता है दुख होता है कि यार वहाँ मैं सौ रुपये खर्च करता और यहाँ मैं उसी चीज़ के लिए पाँच हज़ार रुपये खर्च कर रहा हूँ वंस यू सेटल डाउन हेर वन यू नो चीज़ों में घुल जाते हो आ जाते हो तो फिर उसके बाद आपको पैसा खर्च करने में उतना लगता नहीं कि उस हिसाब से कमा रहे होते हो तो मैंने आपको ये जुगाड़ बताया ये कोई नहीं बताएगा ये तीन से चार महीने और काफ़ी लॉन्ग टर्म भी है जो आपको पूरा एक्सेसिबल और पूरा इन्वेस्टमेंट जो है ये आपको पूरा अच्छे से आप उसमें रह सकते हो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब भी आप फ्लाइट बुक कर रहे हो तो तो हमेशा उसमें कोशिश करना कि तेईस तेईस किलो के दो बैग रखना तेईस तेईस किलो के एक बैग अगर रखोगे तो उसमें इतना सामान नहीं आ पाएगा और दो रखोगे तो ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं प्राइस का बहुत ही कम फ़र्क आता है तो ऐसे करके आप अपना ये सारा सामान एक लिस्ट बना लो जैसे आने से पहले जो मेरी वीडियो है इसमें से आप सारी चीज़ें लिख सकते हो नोट कर सकते हो ये लिस्ट बना लो कि हाँ भाई मुझे ये ये ले जाना है और मैं ये, ये ले जाता हूँ और आने से तीन चार दिन पहले आप सुपर मार्केट या इंडिया में कहीं भी ग्रॉसरी पर जा कर वहीं भी, भी ख़रीद सकते हो और अपना जो तेईस तीस किलो के दो बैग खरीद के अच्छे से ग्रैप करके और एक अपना चेकिंग बैग में सारा अच्छे से सेटल कर सकते हो बाकी शर्मा जी जिंदाबाद आप जो भी कमेंट करोगे कुछ भी मैं उसका जवाब दूंगा और चैनल को देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना सॉरी कि वीडियो में दस बारह दिन लग गए आने में क्योंकि थोड़ा टाइम का हो रहा था बाकी वीडियो तो मेरी आती रहेगी अब कोई लोड नहीं है देखिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल इसीलिए करना सब्सक्राइब चलिए आप रखिए अपना ध्यान मिलते हैं किसी और एक अच्छी नई वीडियो में जब तक बाय